सदन में हिस्सा लेने वाले, चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने इस सदन से देश को दिशा दी है, देश का मार्गदर्शन किया। इस सदन में अनेक साथी ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े काम भी किए हुए हैं। और इसलिए इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंभीर, कीचड़ इसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और ट्रेनिंग गोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। सभापति जी, उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी।
इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं, तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था, यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए, हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया, हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक, हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था
कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले ऐसी बहानेबाजी की गई थी, लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए, इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूँ, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आप बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहाँ रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है, और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को केले चपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था, यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे वो आज
जानता हूं कि भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भलीभांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह देंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, चार चार दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर ले वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे, और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, लोगों की मांग भी थी, लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा, हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे, और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया, और मुझे खुशी है कि सामने
सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला, इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है, जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है, और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ, और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी समर्थनी मनाते थे, फलवानी तारीख को खंभा डाला गया। बिजली तो आती नहीं थी, आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नया क्षेत्र खोजने पड़े, हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना, हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा, हमने मेहनत वाला रास्ता चुना, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृतकाल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है, 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है, और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है।
अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही, उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है, भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव पक्षपात टिकी नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है, यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक में लिए, देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा, लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया, आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नीयत से काम किया होता, नेक नीयत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज
21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एम भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय है, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट फंड, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहाँ आकर के गीत गा रहे हैं, हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं, और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले, 2014 के पहले, आदिवासी परिवारों को ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही, और उसके कारण
नहीं चलेगी। समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए। बस स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं, चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंद जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं, इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। एक एकड़ दो एकड़ भूमि का वो ब्याह मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत देकर के उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया, ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित किए हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके, उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने अब देखा है कि छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले, मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने, और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है, वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है।
हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पर गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी। लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं क्योंकि मैं राज्य में रहकर आया हूं, मेरे गांवों में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें, हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुलकर अस्पताल में हो, इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। मां, हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है, हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में पांचवी छठी कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दे, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना ना पड़े, ये हमने जी चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अधिक ब्याज दे करके बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माताएं बेटियां हैं। हमने ये काम किया है। मां बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में हमने वृद्धि की है, वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी ज्यादा है। ये काम हमने किया है। बेटियों के लिए हमने सैनिक स्कूल खोल दिए है। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी,
वो काम भी हमने कर दिया। आज सैनिक स्कूलों में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है, वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं और आज गर्व होता है सियाचिन में मेरे देश की कोई बेटी मां भारती की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। बेटी को गांव में कमाई के अवसर मिले और इसके लिए हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको एक नई ताकत दी, वैल्यू एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनकी रकम में बहुत बड़ा इजाफा किया और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं बेटियों को बहनों को लकड़ी के धुएं से जिंदगी में मुसीबतें झेलनी न पड़े इसलिए हमने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया। हमारी माताओं बहनों को बेटियों को पीने का पानी के लिए जूझना न पड़े, दो दो चार चार किलोमीटर तक जाना न पड़े, हमने नल से घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं बेटों को बेटियों को बहनों को बेटियों को अंधेरे में गुजारा न करना पड़े इसलिए हमने सौभाग्य योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई। बेटी माँ बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है, उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा, वो पीड़ा सहती है लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड देकर के अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर ले, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है, उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दिए, बैंक में पैसा जमा करे इसकी व्यवस्था करके। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के सत्र होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले। आदरणीय सभापति जी, जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को हमारी सरकार भली भांति समझती है लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेक विध इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए
अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया। उससे थोड़ा आगे निकले बच्चा कुछ करना शुरू कर रहे तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगति की है तो उसको वो वायुमंडल मिले ताकि वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए वो खोज वो इनोवेशन काम आ जाए। इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगति का परिणाम हमने नीतियां बदली। स्पेस के क्षेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पूरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नौजवान ने भी कहा है कि आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंग ला रही है। हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म, 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विद इन ए सेकंड आ जाता है। लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड। दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहां पर बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है इसी वैक्सीन से, फार्मेसी का हाथ बन रहा है, हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। ये दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इनको समझने के लिए लड़ाई रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है, डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए, ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में UN जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है, UN की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से, गांव में घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से, और कभी घर बंद हो कोई आकर के कब्जा कर न ले, सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास
कॉमन मैन के लिए करने की इस दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महात्मा है, और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनोवेशन इसका महात्मा बहुत है, और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में हमने गतिशक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए। अभी से हमारे नौजवान तैयार हो उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट के तरफ, इंजीनियर्स के तरफ, साइंस के तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमी नहीं रखी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, यहां रोजगार की भी चर्चा हुई, मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। भाषण नहीं चलेगा। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी, आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है, और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। डिजिटल इंडिया के विस्तार से डिजिटल इकोनॉमी उसका भी एक नया क्षेत्र, आज सर्विस सेक्टर में डिजिटल इंडिया एक नई बुलंदी पर है। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, गांव के अंदर एक एक कॉमन सर्विस सेंटर में 2-2, 5-5 लोग रोजी रोटी कमाते हैं, और दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गांव में भी कॉमन, ये 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों का लाभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल अनेक क्षेत्रों को खोला है, जिसके कारण रोजगार की संभावनाओं में नई गति आई है। और देखिए, हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है उसका फायदा। आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है, और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था। आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो,
पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है, और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाए। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत पक्ष है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है, नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक, कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई, मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है, और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है, हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे। हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है, हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया, फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता है, उसको जी करके आया है। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है।
नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। वो एनटीआर की सरकार को, और वो तब तबियत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे, आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर
अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 2400 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौत कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए, ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का मैंने तो देखा, एक सरकार एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई आप ठीक है मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभाजी जी, 2047 में यह देश विकसित भारत बने ये हम सबका संकल्प है, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी दो वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीति खेल खेलने वाले लोग अंत के अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए,